एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देख रहे हैं मोदी जी की माँ जो है मदर, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ वीडियोस भी देख रही थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। तो सभी दुआ कर रहे हैं, मैंने भी उनके लिए दुआ की। जाहिर सी बात है, माँ तो माँ होती है। सो चलते हैं जल्दी से वीडियो देख लेते हैं। वीडियो भी उसी से ही रिलेटेड है, पीएम नरेंद्र मोदी जी की मदर की जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने, भारतीय जो मुसलमान है उन्होंने दुआ मांगी है और मजारों पर चादरें चढ़ाई हैं, और इससे जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा जबरदस्त एक करारा सा जवाब दिया है। जल्दी से चलते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो वहां से देख सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कीजिएगा। सो हियर वी गो। हमारा जो ऊपर वाला अल्लाह पाक है, वो ज़रूर उनको जल्दी से जल्दी सेहत देगा और जल्दी से जल्दी वो अस्पताल से घर आएंगे। और हमारा प्रधानमंत्री ऐसा सपूत है कि जिसको पता होते ही सारे काम छोड़ के माँ के पास चले गए और माँ की दुआएं आशीर्वाद लिया, और आज हम लोगों ने भी दुआ की, उन्होंने भी दुआ करी। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके अस्पताल छोड़ के घर आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां की तबीयत अचानक खराब हुई तो पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया, प्रार्थना का दौर शुरू हो गया, और मुस्लिम समुदाय भी कहीं पीछे नहीं रहा। आज मैं हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में हूँ, औलिया हजरत निजामुद्दीन की ये दरगाह है, और मेरे पीछे ये तमाम जो लोग देख रहे हैं आप, इन्हीं लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, इन्होंने अंदर जाकर दरगाह पर पुष्प अर्पित किए, फूल चढ़ाए और दुआएं की और चादर चढ़ाकर ये दुआ की कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिनकी माँ की तबीयत जो खराब है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और फिर देश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ से बातचीत करते हैं। सब क्या कहेंगे, आज दुआओं का दौर पूरे देश में जारी रहा, लेकिन आज आप लोग आए और हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पर आपने चादर चढ़ाई, दुआएं की। ने आज जो है हमारे देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के बहुत ही मशहूर और मारूफ वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की माता जी की जैसे ही तबीयत बिगड़ी, अभी तो माशाल्लाह वो बहुत पहले से ठीक हो गई हैं, ऐसा अभी समाचार का बुलेटिन आया। लेकिन हमने जो है, और हमारी संस्था ने, जो हमारी मुस्लिम समाज पसमानदा उत्थान समिति संघ है, उसने आज पूरे देश में कॉल दी कि वो उनकी माता जी के लिए, जिनकी उम्र लगभग 100 साल है, उनका शतक पूरा हो चुका है और वो थोड़ी अलील हैं, थोड़ी बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हो गई, तो हमारी संस्था ने पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी ज़िलों में, जहाँ जहाँ तक हमारा संस्था का विस्तार है, सब ने मिलकर आज जो है एक दुआ का प्रोग्राम, और कहीं ना कहीं अगर कोई गरीब आदमी है तो उसके खाने पीने का प्रोग्राम, बहुत जगह कहीं सर्दी आजकल पड़ रही है, 5 डिग्री टेम्परेचर हुआ हुआ है, तो कम्बल बांटने का प्रोग्राम, पुराने कपड़ों को गरीबों में बांटने का प्रोग्राम, ऐसा हमने जो है ना वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वो जल्दी से जल्दी जो है अस्पताल से अपने घर लौट कर आए, तो ऐसा हमने आज पूरे देश में प्रोग्राम रखा था। उसी के मद्देनज़र जो हमारा दिल्ली और NCR की जो संस्था के पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफराज अली जी, हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पदाधिकारी निसार अहमद साहब, सरफराज भाई, और हमारे अनिल पंडित जी हैं, राजेश जी हैं, और बहुत सारे जो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, हम सब ने मिलकर जो है आज हीरा बा के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो सुल्तान हिंद भी कहलाते हैं, और उनके दर पर अगर कोई आता है, कोई भी, यहाँ पर आपने देख रहे होंगे आज जो है बृहस्पतिवार वीरवार है, कितनी आज आप भीड़ देख रहे हैं, आज ये इस साल की आखिरी जुमेरात है और अभी नया साल भी हमारा आने वाला है, तो हमने भी ऐसा दिन जो है चुना कि जहाँ पर आज जो है सभी आदमी की जो है मन्नतें पूरी होती हैं, और उनकी दरगाह पर जाकर हमने चादर भी चढ़ाई, हमने अकीदत के फूल भी चढ़ाए और उनके लिए दुआ भी की। तो जो हमारे यहाँ के, जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, यहाँ के सज्जादा नसीन हैं, उन सब ने मिलकर भी आज दुआ की, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि हमारा जो ऊपर वाला अल्लाह पाक है, वो ज़रूर उनको जल्दी से जल्दी सेहत देगा और जल्दी से जल्दी वो अस्पताल से घर आएंगी, और पहले तरीके से जैसे उनकी दिनचर्या होती थी ऐसी वो दिनचर्या में लगेंगी। और एक जो बहुत सबसे जो है एक खूबसूरती की बात जो हमारे मुल्क में है कि हमारा जो मुल्क है 140 करोड़ जनता का मुल्क है, और ये लगातार जो है
कोई भी अगर ऐसा मामला आता है तो सब कंधे से कंधा मिलाकर एक से दूसरे के साथ जो है चट्टान की तरीके से खड़े रहते हैं। तो आज हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी साथ पूरे 140 करोड़ आवाम जो है वो चट्टान की तरीके से खड़ा है और सब दुआ भी कर रहा है और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर वो घर आए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या है ये औलिया हजरत निजामुद्दीन की वो दरगाह है कि यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं और हारा बीमार हर व्यक्ति यहाँ पर आता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, मेरा परिवार ठीक हो, देश दुनिया के लिए लोग दुआएं करते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए भी यहाँ दुआएं की गई। देखिए ये जगह ऐसी है कि यहाँ बरसों से सैकड़ों साल से लोग आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह फकीर सब आके सजदा करते हैं और सब आके अपनी दुआएं मांगते हैं और यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते, यहाँ बहुत मुरादें लेके आते हैं। और माँ का मतलब तो ऐसा है कि माँ की सेवा से ही हर महान व्यक्ति महान बना है, बिना माँ की सेवा किए कोई आदमी महान नहीं बन सकता। माँ के कदमों में हमारे यहाँ कहते हैं जन्नत है, अगर उसकी सेवा करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। और हमारा प्रधानमंत्री ऐसा सपूत है कि जिसको पता होते ही सारे काम छोड़ के माँ के पास चले गए और माँ की दुआएं आशीर्वाद लिया और आज हम लोगों ने भी दुआ की, उन्होंने भी दुआ करी। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके अस्पताल छोड़ के घर आएंगी और स्वास्थ्य लाभ करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम होगा सर? एहसान अब्बासी मेरा नाम है जी। मैं पसमंदा मुस्लिम समाज थान समिति संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुसलक से मेरे साथ खड़े हुए हैं पूरी टीम। आज पूरे देश में पसमंदा समाज के लोगों ने, मेरी संस्था ने दुआ की, जगह जगह दुआ किया जाके और आज वो माँ बीमार है कि शायद मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल भावुक ये पल है कि वो मेरी माँ है जिसने वो बेटा दिया है, कि आज देश के गरीब का बेटा है वो, आज वो पसमंदा समाज का हितैषी है वो। आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने उस गरीब की सुध ली है, जो रेडी में बैठता था, झुग्गी में रहता था, उसको राशन दिया है, उसको मकान दिए हैं, विधवाओं को पेंशन दी है। आज उस बेटे की माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, आज इस दरबार में आकर चादर चढ़ाइए, फूल चढ़ाएँ और दुआ मांगिए मेरी माँ के लिए, क्या मेरी माँ को मेरा रब मेरा ठीक करे, मेरा अल्लाह मेरा ठीक करे। इनके जरिए दुआ मेरे अल्लाह तक जाएगी और अल्लाह कबूल करेगा और मेरी माँ मेरी ठीक हो जाएगी, जो जन्नत का जरिया मेरी माँ है। आज वो हिंदुस्तान की माँ है, आज वो मेरी माँ है। आज नरेंद्र मोदी की माँ नहीं है, आज हर व्यक्ति की माँ है। आज हर व्यक्ति रो रहा है, अपनी माँ की दुआ कर रहा है कि मेरी माँ ठीक हो जाए और मुझे आकर मुझे आशीर्वाद दे, मुझे दुआ दे, मुझे गले से लगाए। ऐसे मैंने अल्लाह से दुआ किया है, अल्लाह मेरी माँ को ठीक करके जल्द घर पहुँचाए और मैं जाके उसके आंचल में बैठ जाऊँ और सो जाऊँ और नींद आ जाए मुझे, ऐसी मेरी माँ की दुआ की है। बिल्कुल, आज माँ के लिए दुआ की गई। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या कहेंगे आज मुस्लिम समुदाय भी कहीं पीछे नहीं रहा मोदी की माँ की। और भारत सबसे पहले बात तो यह है कि हमें सबको दुआ करनी चाहिए उनकी वालदा की सेहत के लिए। जाहिर सी बात है उन्होंने जो है एक प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन एक ऐसे इंसान को मतलब जन्म दिया जिन्होंने आके इससे पहले इतना ऐसा किसी ने नहीं किया जितना उन्होंने किया अपनी कंट्री के लिए। तो यह भारत के बेटे हैं और जो नरेंद्र मोदी जी की माँ है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ नहीं है बल्कि वो हर उस इंसान की माँ है जो भारतीय है, ठीक है। तो हमें उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए और मैं भी दुआ मांगती हूँ, आप लोग भी मांगे उनकी सेहत के लिए दुआ। बाकी 100 ईयर्स हो चुके हैं यार, जाहिर सी बात है एज ज्यादा हो गई है और भी ज्यादा हो, मैं तो कहती हूँ और भी 100 साल और जिए, लेकिन जाहिर सी बात है एज के साथ इंसान की एनर्जी डाउन हो जाती है। मुझे याद है लता मंगेशकर जी उनकी भी एज के साथ साथ वो भी डाउन हो गई थी और इस तरह से बहुत सारे फेसेस हैं जिनको मैं जानती हूँ बॉलीवुड से भी, तो वो भी एज के साथ डाउन हो जाते हैं। हालांकि उनके पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है ना, लेकिन पैसा है, हर चीज सर्जरी भी करवाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जो आपके अंदर से जो है वो आपकी बॉडी जवाब दे जाती है। तो और नरेंद्र मोदी जी की फैमिली तो वैसे ही बहुत सारी सिंपल सी है, बॉलीवुड से 100 गुना दूर है। तो मैं कह सकती हूँ कि अच्छा है कि अच्छी फैमिली है, इनोसेंट है, सीधे साधे हैं
और अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जो अपनी कंट्री के लिए कुछ करता है वही असल हीरो होता है। सो भारतीय जो मुस्लिम्स हैं वो लोग उनकी मदद के लिए दुआ मांग रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, कंबल जो है सर्दी है क्योंकि कंबल जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड फूड वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए उनकी सेहत के लिए दुआ करवा रहे हैं और उनकी वजह से ये सब कुछ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है और हमें जो है इस बात पे बहुत मुझे खुशी है कि लोग वहाँ के एक साथ मिलकर रहते हैं इस मामले में। पहले जितनी लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन एक बात साफ है कि अखंड भारत में आज मुझे पता चला अखंड भारत का मतलब क्या है। आप अखंड भारत मीन्स कि आप लड़ो झगड़ो जो भी करो लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक साथ जुड़ जाओ, एक हो जाओ। तो वो चीज आज की इस वीडियो में मैंने देखी और जानी और मुझे रियलाइज हुई कि यार वहां के ये जब वक्त आता है ना तो फिर वहां पर कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम वो सब कहते हैं हम एक हैं, अखंड हैं। अखंड का मतलब एक ही होता है ना। तो मुझे अच्छा लगा कि इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, इनोसेंट से लोग हैं, मासूम से। सो गाइज आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज दुआ कीजिएगा मोदी जी की मदद के लिए कि वो ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी सेहतियाब हो जाए। और जो है ना बेटा तो बेटा होता है, जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो एक आम माँ का बेटा हो, तो वाइब्स तो वही होती हैं, जिस बात इमोशन सब कुछ वही होता है। सो यस आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी अच्छा लगा ये वीडियो देख के, लोगों का प्यार देख के अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। सो गाइज आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट ऑफ लव, बाय बाय।